मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप 6 महीने भले जो कुछ भी आपका रेवेन्यू बढ़ा आपके राज्य के काम आएगा, लेकिन अब पूरे देश में आप सहयोग कीजिए, ये मेरी आपको विशेष प्रार्थना है आज। नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही है, ये बात अलग है कि पिछले कुछ दिनों से इसकी कीमत नहीं बढ़ी है, लेकिन आ गया है चर्चे के केंद्र में। वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुख्यमंत्रियों की कोरोना पर बुलाई गई बैठक। उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही उन राज्यों से अपील की जिन्होंने वैट नहीं घटाया है कि अब तो घटा दीजिए, वैसे ही सियासत तेज हो गई, मीटिंग खत्म हुई और बयानबाजी शुरू हो गई। सबसे पहले कांग्रेस ने जो है ट्वीट किया और बताया कि जिसके कार्यकाल में 26 लाख करोड़ डीजल पेट्रोल पे एक्साइज से कमाया गया वो सीख दे रहा है राज्यों को वैट घटाने के लिए। और कांग्रेस ने एक चार्ट जारी किया कि 9.48 रुपये उसके ज़माने में एक्साइज लिया जाता था पेट्रोल पे, और बीजेपी यानी कि मोदी के कार्यकाल में 27.90 रुपये लिया जा रहा है, यानी कि लगभग 3 गुना। ठीक इसी तरीके से डीजल पे 3.56 रुपये ले कांग्रेस के रिजिम में था एक्साइज, और अब है 21.80 रुपये, यानी कि लगभग 7 गुना। और उसके बाद भी सिख राज्यों को, ठीक इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन राज्यों का जिक्र किया था उसमें पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड जैसे राज्य शामिल थे। लिहाजा उद्धव ठाकरे के ऑफिस ने एक बयान जारी किया और बताया कि कौन कितना जो है टैक्स लेता है। तो केंद्र जो है वो डीजल पे लेता है 24.38 रुपये और राज्य की ओर से 22.37 रुपये लिया जाता है। ठीक इसी तरीके से पेट्रोल पर केंद्र की ओर से 31.58 रुपये लिया जाता है और राज्य सरकार इस पर 32.55 रुपये लेती है। यानी कि ये बताया कि केंद्र और राज्य लगभग बराबर लेता है, फिर उन्हें ये सीख क्यों। ठीक इसी तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़की और उन्होंने कहा कि 1500 करोड़ की सब्सिडी दी है डीजल और पेट्रोल पे, केंद्र पहले एक्साइज घटाए फिर बात करें। दीपेंद्र हुड्डा सामने आए, कह रहे हैं कि जंग की स्थिति का हवाला दिया जा रहा है कि उसकी वजह से ईंधन की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, लिहाजा केंद्र और राज्य दोनों मिल करके और स्थिति को संभाले। लेकिन क्या जब अनाज की डिमांड होती है कहाँ पे देशों में उसका संकट पैदा होता है तो किसानों को अधिक पैसा मिलता है, कितना अधिक पैसा मिलता है, डीजल पेट्रोल का तो तुरंत जो है लोगों के जेब से लेने लगते हैं। तो इस तरीके से शिवसेना की जो प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने भी केंद्र पे वार किया है। दरअसल है क्या कि ये बात विपक्ष शिद्दत से आरोप लगाता रहा है कि मोदी सरकार के रिजिम में डीजल और पेट्रोल पे जो है बार बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई, जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत कम थी तब लोगों को इसका बेनिफिट ट्रांसफ़र नहीं किया गया, और जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डीजल पेट्रोल महंगा हुआ तब लोगों के ऊपर उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया। जितने एक्साइज घटाने की दरकार थी केंद्र की तरफ से उतना एक्साइज नहीं घटाया गया। आपको बता दें कि नवंबर में चुनाव से पहले जब केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया था तो बीजेपी शासित राज्यों ने तो घटा दिया था, लेकिन गैर बीजेपी शासित कई राज्यों ने इसे नहीं घटाया। उसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मीटिंग में बात कर बैठे और उस बात करने के बाद दिल का ताड़ बना और विपक्ष ने वार करना शुरू कर दिया। कौन सही है कौन गलत है, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ क्या है, देश की परिस्थितियाँ क्या है, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और फैसला ले सकते हैं कि किस रूप में कौन कैसे सियासत कर रहा है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।